कभी कभी लोगों का एक दूसरे के ऊपर नजर रखना भी मजेदार हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो या तो मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं या फिर चीजें गलत तरीके से कर रहे होते हैं या फिर कुछ बेहद ही खतरनाक काम कर रहे होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम इनसे लाख गुना बेहतर हैं। हमने आज के वीडियो में कुछ ऐसे इंसानों को चुना है जिन्हें इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। तो पेश है कुछ ऐसे ही शानदार कैंडिडेट्स। अगर आप किसी फर्स्ट क्लास सीट पर नहीं बैठे हैं तो लंबी फ्लाइट की सवारी लेना काफी कष्टदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो हमेशा आपके लिमिटेड एरिया में आने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक कोहनी जो बार बार आपके आर्म रेस्ट पर आ ही जाती है, या फिर गलती से किसी का आपको पीछे से धक्का मारना। सच कहूं तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है? ऐसा लगता है जैसे गोलम खुद ही फ्लाइट पर सवारी लेने की सोच रखी है, तो भाई अपनी शादी की अंगूठी इससे छुपा कर रखें। तो मूवी मॉन्स्टर्स की फ्लाइट की सवारी जारी रखते हैं। पेश है द रिंग फ्रेंचाइज की समारा, जो टेक ऑफ होने से पहले रिलैक्स कर रही है। जब आपके लंबे और घने बाल ही आपके लिए सब कुछ हो तो ये जरूरी है कि उन्हें भी सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल भी नहीं, कौन कहता है कि ऐसा करना कूल बात होती है। ये तो अच्छा है कि इस प्लेन में एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं लगा हुआ है, वरना इस सीट के पीछे बैठे आदमी को इन बालों को किसी पर्दे की तरह हटाना पड़ता। अगर मूवीज की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि लोग थिएटर को अपनी संपत्ति समझकर बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस तरह से गंदगी फैलाना कूल बात है। उम्मीद करता हूँ कि वे इस तरह की गंदगी अपने लिविंग रूम में नहीं करते हो, या फिर ये कहूँ कि यहाँ एक सुअरों का घर है। मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों का ध्यान रखना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, खास करके तब जब आपको उन्हें किसी स्टोर पर एंटरटेन करके रखना हो, लेकिन इस तरह का व्यवहार एक्सेप्टेड नहीं होता। पता नहीं दो छोटी लड़कियाँ इतनी छोटी सी जगह में इतनी तबाही कैसे मचा सकती हैं। असल में ये किसी भी दुकानदार के लिए बहुत बुरा सपना है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर इनके माँ बाप को इन सभी खिलौनों के पैसे भरने पड़े तब यकीनन वे इतने शांत नहीं रहे होंगे। अगर स्टोर्स की बात हो ही रही है तो फिर हमेशा कस्टमर्स ही बुरे नहीं होते जिन्हें बाहर फेंकना चाहिए। एक नज़र जरा इस स्टोर के असिस्टेंट पर भी डालें जो प्राइस टैक्स को अपडेट कर रही है। यहाँ आपको किसी भी तरह की बनावटी चीजें दिखाई नहीं जा रही। ये महिला सच में मीट से भरे इस रेफ्रिजरेटर पर खड़ी है ताकि वो प्राइस टैक्स बदल सके। क्या इस स्टोर में स्टूल की कमी थी? शुक्र है कि उसने इतना दिमाग चलाया कि अपने गंदे जूते पहले उतार कर रख दिए। छी यार, क्या ऐसी भी कोई चीज है जो हम होशियार इंसानों में से मंद बुद्धि को अलग कर सकता है? ऑफ कोर्स है, ग्लोबल पैंडेमिक। सोशल डिस्टेंसिंग वैसे तो कठिन काम है और हम में से ज्यादातर लोग अपने फ्रेंड से मिलना जुलना चाहेंगे, लेकिन इस तरह की गैदरिंग अरेंज करने के लिए हमें एक स्पेशल होस्ट की जरूरत होती है जो इस तरह की विडंबनापूर्ण पार्टी मना सके। मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि जल्दी ही इस तरह की तस्वीर हमें अपने इतिहास की पुस्तकों में देखने को मिल जाएगी। जब खुद को वायरस से बचाने की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग मेडिकल मास्क प्रेफर करते हैं, खुद को प्लास्टिक बैग से सफोकेट करना या फिर आंखों पर कुछ पहन लेना, जैसा कि नेटफ्लिक्स की मूवी बर्ड बॉक्स में देखने को मिलता है। और तो और, स्नोकलिंग का मास्क भी बहुत लोग आजमा चुके हैं। यही नहीं, लोगों ने कई और तरीकों की आजमाइश की है ताकि वे इस तरह की सिचुएशन से बच सकें। लेकिन केंटुकी की इस महिला को कोई भी मात नहीं दे सकता जिसने अपने मास्क में एक होल कट किया है ताकि वो आसानी से सांस ले सके। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। So this girl's coming in with her mask on. You all need to see this. Hey Joe, look at this ghetto ass mask. Hello. Hello. How you doing? Pretty good. I need 10 on pump one, please. Where'd you get that mask from? Well, since we have to wear them and it makes it harder to breathe, this makes it a lot easier to breathe. Cutting it? Mm-hmm. Yeah, I'll do that too. Okay. Thanks for the advice. Appreciate you. इसे कौन समझाएगा भाई? अगर किसी कचरा करने वाले इंसान के बारे में आपको जानना हो तो आपको उसकी कार में झांक कर देखना चाहिए। ये रही एक गाड़ी जिसे एक हफ्ते के लिए एक लापरवाह फैमिली को रेंट पर दे दिया गया था। इसे देखकर शायद किसी को ऐसा लगेगा कि यहाँ बंदरों की टोली ने लूट मचाई है और वहाँ फिर एक मजे की राइड पर चले गए हैं। सच कहूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो फिर एक नज़र जरा इस गंदी कार पर डालकर देखें। मुझे तो लगता है इसकी सुगंध यहाँ तक आ रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये गाड़ियाँ घिनौनी हैं तो इस गेमिंग रूम के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से घटिया और घिनौनी। पता नहीं कोई कैसे सोच सकता है कि ये जगह रहने लायक है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा कि एक इंसान इतना एप्पल जूस अकेले कैसे पी सकता है। कुछ लोग इंटरनेट पर फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कितने भी गलत काम करने पड़ जाएं, वे पीछे नहीं हटते। एक ऐसा ही टेक्सास से आया था जहां कहा जा रहा था कि जुखाम से पीड़ित लुफ्किन की एक लड़की ने इसके बारे में सोचा नहीं था कि वो पकड़ी भी जा सकती है। उसने वॉलमार्ट में ब्लू बेल आइसक्रीम का एक पैक लिया और उसे चाट कर वापस फ्रीजर में रख दिया। हो सकता था कि कोई दूसरा कस्टमर इस आइसक्रीम को खरीद लेता, लेकिन इस वीडियो के ट्विटर पर वायरल होने के बाद अथॉरिटीज ने तय कर लिया कि उसे $10,000 की फाइन और 20 साल की कैद की सजा देंगे। वाह भाई वाह, क्या मिठास इस आइसक्रीम की।
कुछ लोग इतने सनकी होते हैं कि हम उन्हें कहते हैं क्यों भाई क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो इन मैडम ने हद ही कर दी। कल्पना कीजिए कि एक तपती गर्मी का दृश्य है और डेंटिस्ट के वेटिंग रूम में एक ही पंखा है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप ये महिला होते तो आपका जवाब होता कि आप उस पंखे को अपनी स्कर्ट के नीचे रख कर अपने कुछ अंगों को ठंडा करेंगे। सच में कुछ लोगों में बिल्कुल भी शर्म नहीं होती। अब अगर शर्म की बात हो ही रही है तो क्यों ना एक पल के लिए न्यूयॉर्क सबवे के मैजिकल किंगडम की बात कर लें, जहां ये महिला इंतजार किए बिना बैठ गई अपने पैरों की सफाई करने के लिए। इस फोटो के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां बैठे बाकी के लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि यहां कुछ हुआ ही नहीं है। और यहां ऐसी घटनाएं रोज होती रहती है। सो इस महिला को उस शाम किसी इम्पोर्टेंट डेट पर जाना हो। इस फोटो के वायरल होने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि इस महिला का बॉयफ्रेंड अब एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग हमेशा ही अपने कर्मों से हमें सरप्राइज कर देते हैं और मैरिज प्रपोजल्स इससे अछूते नहीं है। क्या आपने सपने में भी कभी सोचा है कि कोई आपको इस तरह के प्रपोजल यानी कि पोर्टेबल टॉयलेट के साथ प्रपोज करेगा? हो सकता है आपको ये प्रेम कहानी सुनकर थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रेम कहानी की शुरुआत ही टॉयलेट से संबंधित हो। छी 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 छी, मुझे तो सुनकर ही कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर पोर्टा पॉटी प्रपोजल में आपको कुछ भव्य नहीं लगता है तो एक बार यहाँ भी गौर फरमाए, क्यों ना गाय पर ही स्प्रे पेंटिंग कर दी जाए। कर्ली टॉप नाम की इस गाय को ये सौभाग्य मिला कि वो एबर्डीनशायर फार्मर क्रिस गॉस्पेल की मंगेतर एडिथ फेरर्स, जिसकी ये फेवरेट मानी जाती है, उन्हें इस तरह से प्रपोज कर सके। वाकई ये तरीका अनोखा है। खराब तो तब होता जब अगस्त 2019 के इस फार्मर की तरह हरकत की जाती, जहां उसने गाय की चूची पर ही एंगेजमेंट रिंग पहना दी। पता नहीं इससे घटिया और क्या हो सकता था। आइए अब देखते हैं कि पेरेंट्स ने बच्चों पर ध्यान रखने के लिए पब्लिक में किस तरह की तरकीबें अपनाई हैं। इस माँ को ही देख लीजिए, ये कितने अच्छे से स्नीकर स्टोर में शॉपिंग कर रही है। अरे लेकिन इसका बच्चा कहाँ है? तो भाई और थोड़ा नजदीक आइए तो शायद आपको उनकी बेटी नजर आ जाए। स्ट्रोलर की किसे जरूरत है जब आप अपने बच्चे को कैरी बैग में उठाकर शॉपिंग कर सकते हैं। शुक्र है कि इसमें सांस लेने के लिए होल्स तो बने हुए हैं। सच में ये बहुत ही क्रूर है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सबसे घटिया बात थी तो आइए देखते हैं कि उलझन में फंसी माँ क्या करती है जब उसका बच्चा स्टोर में अपनी डायपर को खराब कर देता है। तो वो क्या करती है? वो शॉपिंग बंद करके अपने बच्चे को नीचे रखती है, वो भी अच्छे से फोल्ड किए हुए कपड़ों के ढेर पर। इस पिक्चर के बारे में अच्छी बात तो इस माँ का चेहरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो निकालने की जब मैं सभी हेल्थ और सेफ्टी रूल्स की धज्जियां पब्लिकली उड़ा रही हूँ? ये कहावत बिल्कुल सच है कि बच्चे कभी कभी बेकाबू हो सकते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि अपने बच्चे को पूरी तरह से कैदी बनाने की बजाय दूसरे पॉसिबल उपायों को भी ट्राई करके देख लेना चाहिए। सोचिए कि अगर भूल से भी रास्ते में अगर वो चाबी खा जाए तो क्या अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाएंगी? आपको लग रहा होगा कि आपने वॉलमार्ट के बारे में सभी किस्से सुन लिए हैं, तो पेश है एक और घिनौना एग्जांपल। किसी को नंगे पांव देखना या फिर बिना शर्ट के देखना शायद असमान्य ना हो, लेकिन क्या एक रकून को स्टोर में लाना अलाउड है? सच में ये तो हद ही हो गई भाई। मुझे लगता है कि रकून्स लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट का काम करते हैं। क्या आपको ये बात मालूम थी? अगर आपके पास इस तरह का रकून नहीं है तो हो सकता है कि आपको इस तरह का कॉस्ट्यूम काम आ जाए ग्रोसरी स्टोर पर अपनी हॉट डेट को पटाने के लिए। इतनी सारी शॉपिंग करके शायद आप थक गए हों, तो बेहतर होगा कि आप अपने पैर थोड़े से लंबे कर लें। इससे मेरा मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे यकीन है कि एप्पल से भरा ये बॉक्स इस महिला के बैठने के लिए नहीं रखा गया होगा। यही कारण है कि आपको आपके फल और सब्जियां हमेशा धोकर खाने चाहिए। ऐसा करने वाली ये महिला अकेली नहीं है, ऐसी घटिया हरकतें करने वाला एक और बेवकूफ है जो ब्रेड के ऊपर उसे सोफा समझकर बैठ गया है। अब सुधर भी जाओ मेरे भाई। पब्लिक टॉयलेट्स कई बार आपको सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली जगहों में से एक होते हैं। किस तरह से? लेकिन जरा इस पागल इंसान की हरकत तो देखिए, ऐसा कौन करता भाई? आपको इस साबुन की मशीन का इस्तेमाल तब करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ से पेशाब की बास आ जाए। ऐसा नहीं है कि पेशाब करने के लिए इमरजेंसी में ये कम्फर्टेबल जगह रही होगी। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग बस इसी फिराक में रहते हैं कि वे दूसरों को परेशान कैसे करें। कुछ लोगों के कर्म बेहद अग्रेसिव होते हैं तो कुछ लोगों के डंप मोबिलिटी स्कूटर्स उनके बेहद काम आता है जिन्हें उनकी जरूरत होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें इतना वजन उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे भी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली बात यह है कि इस तरह से लिफ्ट लेना ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज आजकल फेमस होती जा रही है। मुझे लगता है कि उबर राइड के पैसे अपनी दादियों को बुलाकर बचाए जा सकते हैं। घटिया इंसानों को जिस चीज के साथ नहीं मिलना जुलना चाहिए वो है इंसान, लेकिन फिर भी हर साल कुछ बेचारे जीव हमारी कुछ मंद बुद्धि हरकतों का शिकार बन ही जाते हैं। साल 2016 में ब्यूनस आयर्स में सेंटा टेरेसा के समुद्र तट के इस रिजॉर्ट में कुछ मतलबी छुट्टी मनाने वालों ने एक बेबी डॉल्फिन की जान ले ली। इन बेवकूफों ने उस बच्ची को समुद्र से तो निकाला ही, लेकिन बाद में सेल्फी लेने के लिए उसे एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ में पास करते चले गए, और जब उनका काम हो गया तब उन्होंने उस बच्चे को रेड पर ही मरने के लिए छोड़ दिया। अर्जेंटीनाज वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के हिसाब से ये डॉल्फिन दुर्लभ फ्रेंसिकन प्रजाति की थी जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। भगवान के लिए प्रकृति से मत खेलो मेरे भाई।
कुत्ते वफादार होते हैं और वे जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। ये बातें लगता है आजकल सिर्फ सुनने को ही मिलती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये याद दिलाने की जरूरत है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। जिस किसी ने भी ये फोटो निकाली है उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए दो बार चेक तो जरूर किया होगा कि 15 नंबर के लॉकर में इस प्यारे से कुत्ते को किसने रखा होगा। सच में ऐसा कौन करता है भाई, अपने कुत्ते के साथ वो भी। कुछ लोग तो इस सच्चे वफादार साथी का साथ डिजर्व नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ कि किसी भी पालतू जानवर को पालने के लायक ही नहीं होते वो। स्वीट आर्ट और जानबूझकर की गई हरकतों में बेहद डिफरेंस है, और ये बंदा तो वाकई इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है। इस छोटे मियां ने तो अपना कदम जुर्म की ओर बढ़ा लिया है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा चिंता इसकी दादी का चेहरा देखकर होती है। एक मिनट, कहीं ये डैम जूडी डेंच तो नहीं है? ऐसा करने के लिए इन्हें तो फ्री पास मिल जाता है। इस ग्लोबल पैंडमिक के वक्त हर वो चीज जो जरूरी समझी गई, टॉयलेट पेपर से लेकर पास्ता तक, ये सभी सामान सैंडबोल्ट से भी ज्यादा तेजी से गायब हुए हैं। पैनिक होकर खरीदारी करने में एक फैक्ट जो नहीं बदलता वो ये है कि अगर आप इस बंदे की तरह अपने घर में भी जरूरत के सामान कुछ इस तरह से स्टॉक करते हैं तो आपका नाम कोविडियट होना चाहिए। कुछ लोग वायरस से बचने के लिए ऐसी तरकीबें आजमाते हैं। अब जरा एक नज़र इस हेल्थ स्टोर के बीन्स के रैक पर भी तो डालें। ये अजीब नहीं लगता कि कैसे एक ही भरे डिब्बे पर लिखा है कोरोना बीन्स। हे भगवान, मुझे ताकत दो। कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रैंक्स करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग अपनी मंद बुद्धि विचारों से ऊपर नहीं आते और खुद को मुसीबत में डालते ही रहते हैं। मार्च में एक इन्फ्लुएंसर जिसका नाम है एवा लुइस, उसने डिसाइड किया कि वो एक वायरल टॉयलेट सीट चैलेंज शुरू करेगी, जिसमें वे टिकटॉक के लिए एरोप्लेन की टॉयलेट सीट को चाटते हुए नजर आती हैं। वैसे उसके लिए ठीक भी था, क्योंकि वो ऐसा अपने एक प्रेमी द्वारा गिफ्ट किए गए प्राइवेट जेट पर सवार थी, जिसे पहले से डिसइंफेक्टेड कर दिया गया था। और तो और उसने ये भी कहा कि उसे पता था कि मीडिया इस वायरस के बारे में झूठ बोल रही है। भाई, मुझे तो इस लड़की पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। टॉयलेट सीट चाटना एक बात है, लेकिन मानिए या ना मानिए ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास दिमाग की बेहद कमी है, जैसे कि ये आदमी। अरे नहीं नहीं, ये कोई असली साइंटिस्ट नहीं है जो NYC सबवे में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी एक खतरनाक पदार्थ को अपनी गोदी में रखकर। इंस्टाग्राम प्रो बनना चाहते हैं डेविड फ्लोर्स एंड मॉरिस कॉर्डवेल। उन्होंने सोचा कि हैजमेट सूट पहनकर ऐसी एक्टिंग करेंगे जैसे उनके हाथों में कोरोना वायरस गिर गया, वो भी एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में। ये वारदात फरवरी की है, और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मजाक उन पर ही भारी पड़ गया। इससे तो अच्छा होता कि आप टॉयलेट वाली क्लिंग से जुड़ जाते, ऐसा दोबारा ना करें। इसमें से आपका पसंदीदा बेवकूफी भरा कारनामा कौन सा था, और अगर आपको मौका मिल जाए तो आप इनमें से किन को इस पृथ्वी पर बैन कर देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।